एसाव अर्थात एदोम की वंशावली इस प्रकार है। एसाव ने कनान देश की कन्याओं में कई को अपनी पत्नी बना लिया। हित्ती जातीय एलोन की पुत्री आदा को हिव्वी, सिबोन के पुत्र अना की बेटी ओहोलीबामा को तथा बासमत को जो इस्माइल की पुत्री और नबोयोत की बहन थी। एसाव से आदा को एलीफज हुआ, बासमत को राउएल और ओहोलीबामा को यऊश, यलाम और कोरा हुए। यही एसाव के पुत्र हैं जो कनान देश में उसके यहाँ पैदा हुए थे। एसाव अपनी पत्नियों और अपने पुत्र पुत्रियों और अपने घर के सब लोगों, सब ढोरों और पशुओं को तथा वो सब कुछ लेकर जो उसे कनान देश में प्राप्त हुआ था, अपने भाई याकूब से अलग होकर किसी दूसरे देश में चला गया। अब उनकी संपत्ति इतनी अधिक हो गई थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे, और उस देश में जहां वे रहते थे उनके ढोरों को चराने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। इसलिए एसाव सेईर के पहाड़ी प्रदेश में बस गया। एसाव एदोम भी कहलाता था। सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासी एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली इस प्रकार है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं: एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीफज और एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रउएल। एलीफज के ये पुत्र थे: तेमान, ओमार, सफो, गाताम और कनज। तिम्ना एसाव के पुत्र एलीफज की उपपत्नी थी। उसे एलीफज से अमालेक नामक पुत्र हुआ। ये एसाव की पत्नी आदा के पोते थे। रउएल के ये पुत्र थे: नहत, जेरा, शम्मा, मिज्जा। ये एसाव की पत्नी बासमत के पोते थे। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के जो सिबोन की पोती और अना की पुत्री थी, ये पुत्र थे जो उसे एसाव से उत्पन्न हुए थे: यऊश, यालाम और कोरा। एसाव के वंशजों के मुखिया ये थे: एसाव के पहलौठे एलीफज के तेमान, ओमार, सफो, कनज, कोरा, गाताम और अमालेक नामक पुत्र। ये वे मुखिया हैं जो एदोम देश में एलीफज के पुत्र थे। ये आदा के पोते थे। एसाव के पुत्र रउएल के पुत्रों में से मुखिया हुए नहत, जेरा, शम्मा और मिज्जा। ये वे मुखिया हैं जो एदोम देश में रउएल के पुत्र थे। ये एसाव की पत्नी बासमत के पोते थे। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के पुत्र ये हैं: यऊश, यालाम और कोरा नामक मुखिया। ये एसाव की पत्नी ओहोलीबामा से जो अना की बेटी थी उत्पन्न हुए थे। यही एसाव अर्थात एदोम के पुत्र हैं और ये मुखिया भी थे। होरी जातीय सेईर के पुत्र जो उस देश के निवासी थे इस प्रकार हैं: लोटान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। सेईर के ये पुत्र एदोम देश में होरियों के मुखिया थे। लोटान के पुत्र होरी और हेमाम। लोटान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अलवान, मानहत, एबाल, शफो, ओनाम। शिबोन के पुत्र अया और अना। ये वही अना है जिसने अपने पिता सिबोन के गधों को चराते हुए मरुभूमि में गर्म जल के स्रोतों का पता लगाया था। अना की संतानें ये हैं: दिशोन और अना की पुत्री होलीबामा। दिशोन के पुत्र हेमदान, एशबान, यित्रान और केरान। एसेर के पुत्र बिलहान, जावान और अकान। दीशान के पुत्र ऊस और अरान। होरियों के मुखिया ये थे: लोटान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दीशान। ये अपने कुलों के अनुसार सेईर देश और होरियों के मुखिया हैं। इजरायली राजाओं के पूर्व एदोम देश में राज्य करने वाले राजाओं के नाम इस प्रकार हैं:
बओर का पुत्र बेला एदोम में राज्य करता था। उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। जब बेला मर गया तब बोसरा निवासी सेरा का पुत्र योबाब उसका उत्तराधिकारी बना। जब योबाब मर गया तब तेमानियों के देश का हुशाम उसका उत्तराधिकारी बना। जब हुशान मर गया तब मोआब के मैदान में मिद्यानियों को पराजित करने वाले बदद का पुत्र हदद उसका उत्तराधिकारी बना। उसकी राजधानी का नाम अवीत था। जब हदद मर गया तब मसरेका निवासी समला उसका उत्तराधिकारी बना। जब समला मर गया तब फरात नदी के किनारे स्थित रहोबोत का निवासी शौल उसका उत्तराधिकारी बना। जब शौल मर गया तब अकबोर का पुत्र बाल हनान उसका उत्तराधिकारी बना। जब अकबोर का पुत्र बाल हनान मर गया तब हदद उसका उत्तराधिकारी बना। उसकी राजधानी का नाम पाऊ था। उसकी पत्नी का नाम महटबेल था। वो मेजाहाब की मटरेत की बेटी थी। एसाव के वंशजों के मुखियाओं के नाम उनके कुलों और निवास स्थानों के नामों के अनुसार ये हैं: मुखिया तिमना, अलवा, यतेत, ओहलीबामा, एला, पीनोन, कनज, तेमान, मिपसार, मगदियल और ईराम। यही है एदोम के मुखिया अपने अपने निवास स्थानों के अनुसार, जिन्हें उन्होंने उस देश में अपने अधिकार में ले लिया था। यही एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली है।